नजदीक से देखा तो रुका नहीं गया उसे और वो लपट गई हाथ से और वो जो कहना चाहती जो करना चाहती थी इधर ही। भक्त को तो रोका जाता है जगह 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 रोका जाता है क्योंकि भक्ति हमेशा मर्यादा का पालन करती है। पर सेवक जो है मर्यादा का पालन नहीं करता है। सेवक तो भैया उसके हाथ में बस पात्र होना, फूल की टोकनी होना, फिर वो घुसा चला जाएगा। रोके कौन? श्रृंगार उसको ही करना है ठाकुर जी का। रोकेंगे तो श्रृंगार कैसे होगा? और सबको मालूम है श्रृंगार करते हैं सजाने वाले हैं। जान दो भैया सजाने वाले हैं। आप देखो दूल्हा से भी पहले दुल्हन का दर्शन कौन करता? ब्यूटी पार्लर वाली है जी। इतनी सुंदर बनाया किसने उसको? दुल्हन को पार्लर वाली ने बनाया है। गूंथ रही है उसके एक एक बाल को, देख रही है बाल को, एक एक बाल पकड़ पकड़ के पकड़ पकड़ के एक एक बाल गिन लेती है कि अभी 43 सफेद हो गए इसके, 43 गिन रही है। और ससुराल में जाके कितने वर्षों में समझेगा घर वालों को कि बहू के भी बाल थोड़े बहुत सफेद है ना? और पार्लर वाली ने सब ने रख लिया क्योंकि घर वाले थोड़ी उसकी आलिश मालिश करेंगे बेचारी की। आशा लेके बैठे बहू आएगी तो गोड़ दबाऊंगी गोड़। सास पहले से बैठी है सेवा लेने के लिए, सेवा करे कौन? तो भैया पार्लर वाली ने पैसा ही लिया है, पैसे लेके भी अंदर तक घुस गई है दुल्हन में और दूल्हे में, पैसा भी ले लिया और घुस भी गई। सेवा से दोनों फल मिलते हैं ये कहना चाहता हूँ। अर्थ भी बढ़ता है और नजदीकी भी बढ़ती है महाराज। और इसीलिए तो फर्क है रामलीला में। राम जी ने भरत को श्रेष्ठ कहा, राम जी ने भरत को श्रेष्ठ कहा। राम जी ने भरत को श्रेष्ठ कहा, मेरा भैया भरत सबसे श्रेष्ठ है। पर कलयुग में आप देखो एक भी मंदिर ऐसा नहीं है जिसमें लक्ष्मण के सिवाय राम के साथ कोई खड़ा है। भरत नहीं खड़ा, शत्रुघ्न नहीं खड़ा, हनुमान खड़े बगल में, लक्ष्मण खड़े बगल में। भैया जो सेवा करता है सब छोड़ के वो हमेशा भगवान के साथ पूजा जाता है। लक्ष्मण पुजारी है, लक्ष्मण सेवा, घरवार छोड़ के राम जी के साथ, संसार छोड़ के राम जी के साथ। तो फिर आज भी पूजा हो रही है राम जी के साथ। भरत नहीं आए द्वापुर में भागवत में, शत्रुघ्न नहीं आए भागवत में, लक्ष्मण यहां भी आगे बलराम बन के। सेवा से ही संग मिलेगा भैया। करो दिखावा कर रहे भाई, हम आ गए फलाने सेठ जी भगत बन के। आजा भैया तू आ गया तो माला डाल जा और जाके जा अपने घर। सेवा सेवा कहां है? सेवा नहीं। भागवत के शुरू होने से 5 दिन पहले आप खाए बिना खाए गंदे खुंदे कपड़े में यहाँ लगे रहते, देखते कोई जगह कैसी जगह, ये जगह क्यों खाली रहती, इधर क्यों खाली रहता टेंट, सेवा करने वाला नहीं था कोई इसलिए खाली रह गया पौना, नहीं तो इस पे भी कपड़ा डाला जा सकता था। और भैया उसके गीत गाए जाते यहाँ, उसका यश गाया जाता यहाँ, उसका सम्मान किया जाता यहाँ, और निकट यहाँ लाया जाता। कैसे सोचेगा भैया जो गाड़ी में बिठा के लाता गुरुजी को, वो तो 7 जन्म में नहीं सोच सकता था कि मैं गाड़ी में बगल में बैठूंगा गुरुजी के। पर भैया सेवा का फल है वो तो किया तो भरना, क्या क्या उसने पुण्य किए जो भैया बगल में बैठ के आ रहा है। सेवा की वजह से मैं भी उसे कभी ना नहीं बोलूंगा, सेवा की वजह से भैया यहां तक लाता है बिना टकराए, तो मैं क्यों ना बोलूंगा, ये तो उसका धर्म है उसे मिलेगा ये तो सेवा में ये फल है। तो सारे देवताओं ने सेवा की और भगवान के नंगे उघाड़े शरीर का दर्शन पाके बैकुंठ चले गए, शुद्ध संदेश दे रहे, कैलाश पे चले गए संदेश दे रहे, ब्रह्मलोक चले गए संदेश दे रहे, खुशी के मारे रुक नहीं रहे क्योंकि भैया भगवान को किसी ने मानस के रूप में देखा पहली बार, भगवान मनुष्य बन के गए ऐसा बता रहे, किसी को पता नहीं ऊपर। और भैया जाके सबसे पहले संदेश दिया कैलाश पर शिव जी को, तो शिव जी बिना रुके खड़े हो गए साधना से, और पार्वती को कहा देवी मुझे टोकना मत, विदा कर दे, आरती उतार ले और मुझे शुभकामनाएं मीठा मुंह करवा दे। देवता जो आनंद लेके आए वो आनंद मैं भी लेना चाहता हूँ, मैं ब्रज की धरा पर जा रहा हूँ, पाप लोक में मेरे परमात्मा हरि गए मनुष्य बन के, और वो इस समय पालने में नंगे उघाड़े, मैं देखना चाहता हूँ कि वो छोटे कैसे लगते हैं, भगवान को सब बड़ा मानते हैं, मैं भगवान का छोटा रूप देखना चाहता हूँ। सुनिए बड़ा रूप तो भैया सबको दिखता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ
पर जो बड़ा रूप देखते हैं और वो जब निकट आ जाते हैं किसी भगवान के और जब उनका छोटा सरल स्वभाव देखते हैं तो फिर वो डबल आनंद में महसूस करते और कहते हैं भाई ऐसा लगता नहीं था कि इतने सरल होंगे स्वामी जी गुरु जी, ये तो बहुत ही सरल है, इतने नजदीक इतना प्यार भरा है इनमें। तो फिर आदमी और भगत हो जाता है और अनुरागी हो जाता है। मधुरम कृत्वाम तदगतम च मूल। हाँ जी, अरे क्यों ना हो जाए जी, स्वामी जी सरल क्यों ना हो जाए, स्वामी जी में भरपूर भरा हुआ है, सरल क्यों ना हो जाए। हम क्यों अकड़ के रहे भैया, हम क्यों खड़े रहे, क्यों गुस्सा करें और क्यों घमंड करें, है क्या हमारे पास घमंड के लिए, और हम दूरियां क्यों बनाए हैं तुमसे। तुम इतनी दूर से आए प्यार करके और दुनिया भर का प्यार लेके उड़ेल रहे हमारे ऊपर, हम न खड़े करें तो भैया अगले जन्म में प्यार के लिए तरसना पड़ेगा, ये प्यार फिर मिलने वाला नहीं। हाँ जी, सात फेरे लेके पत्नी तरसती है प्यार मिले प्यार मिले, पर प्यार कहाँ मिलता है, बच्चे पैदा कर दिए पति ने आंखें निकालता रहता हमेशा, प्यार है ही नहीं दूर दूर तक, बस खिला तू गुड्डी पप्पी को और आंखें निकाल रहा है, गुस्सा ही दिखाता रहता है, मैं आए काय कोई। मुझे प्यार है तुम्हीं से, मुझे प्यार है तुम्हीं से, इकरार है तुम्हीं से, और मुझे दर्शन दिया करो, चाहे कोई सितम करो, चाहे कोई गुनाह करो, चाहे कोई सितम करो, दर्शन दिया करो तुम मुझसे मिला करो, मुझे दर्शन दिया करो तुम मुझसे मिला करो। प्यार है तुम्हीं से, इकरार है तुम्हीं से, मुझे तुमसे मिला करो।
दर्शन दिया करो, हम दर्शन दिया करो, हम दर्शन दिया करो। प्रभु हमसे मिला करो, हम दर्शन दिया करो, दर्शन दिया करो, प्रभु हमसे मिला करो। इकरार है तुम्हीं से, इकरार है तुम्हीं से, इकरार है तुम्हीं से, प्रभु हमसे मिला करो, हम दर्शन दिया करो, प्रभु हमसे मिला करो, हम दर्शन दिया करो, हमसे मिला करो, दर्शन दिया करो, प्रभु हमसे मिला करो, हम दर्शन दिया करो। जय जय जय। मुद्दत सी हो गई है प्रभु तुमसे मिले हुए, चाहे जो भी गिला करो, पर हमसे मिला करो, हमें दर्शन दिया करो, दर्शन दिया करो। प्यार में भैया संसार समाया हुआ है और प्यार के बल से ही परिवार चल रहा है। हम अपने कलेजे से छोटे से बच्चे को लगाए घूमते हैं, ये क्या है? दुनिया में इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, हम क्यों नहीं भैया दूसरों के बच्चों को खिलाते? दिन भर हमारे पेट में से निकला उसी को संभाल कर बैठे, और दूसरे का बच्चा रो रहा हो तो हमें बुरा लगता है भैया? हमारा रोए तो नहीं बुरा लगता है, हम उसे संभाल लेते हैं। कारण क्या है? प्यार जो है अतुल प्यार है, जिसकी सीमा नहीं है, इतना ज्यादा प्रेम है इसके साथ, लगाव है। छोटे बच्चे से माँ का जितना लगाव होता है, उस लगाव से 50% भी लगाव अगर श्याम सुंदर से है तो वो भी तुम्हारी गोद में आके बैठ जाएगा। और भैया जिस छोटे बच्चे से तुम्हें लगाव है वो तो तुम्हें छोड़ के जाने वाला है, वो नहीं रहेगा तुम्हारे पास में। जैसे जैसे बड़ा होगा वो तुमसे दूर होता चला जाएगा। किसी भी बच्चे को देखो भैया, उन्नति का नाम ही दूर है। जितनी उन्नति करनी है करो भैया, दूर दूर हो जाएंगे सब। गरीबी में नजदीक रहते हैं सब, और जैसे धन बढ़ा सब बिखर जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। अमीरी आदमी को दूर करती है और गरीबी संगठन में लाती है। गरीबी में तो इतना संगठन है, तो जरूरत पड़ी तो भैया एक ही कंबल में तीन तीन घुसे पड़े। अमीरी में ऐसा संभव नहीं है, कितना भी जरूरत है फिर भी सब अलग अलग रूमों में अपने अपने साथ। विशंबरम कृत्वा च योग दर्शनम प्रयात्मनम सह भागवतः। आज भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कहने लगे कि स्वयं निराकार ब्रह्म दिशंबर, भगवान शिव जी ने निश्चय कर लिया कि मुझे भी भगवान के बाल रूप का दर्शन करना है। तो कौन सा दिन आया? अष्टमी, नौमी, दसवीं, एकादशी और भगवान शिवजी द्वादशी के दिन गोकुल पहुंचे। ब्रजधरा पर आए गोकुल में द्वादशी के दिन। और द्वादशी को क्यों आए भैया? एकादशी को भी आ सकते थे,
पर द्वादशी को आए भगवान शिव, क्योंकि परमात्मा शिव के बारे में द्वादश का बहुत ही योग है। भगवान शिव को हम द्वादश रूप में ही देखते हैं। भगवान शिव के धरती पर, भारत की धरती पर कितने ज्योतिर्लिंग हैं? द्वादशौर ज्योतिर्लिंग बारे द्वादश, भगवान शिव के द्वादश रूप है, ज्योतिर्लिंग है। इसलिए भगवान शिव ने अपने सारे रूपों को जमा कर लिया और तब नारायण के दर्शन के लिए पधारे गोकुल में। विश्व योगम तद विशंभरम न पश्याम योग दर्शना। हंसी की बात है और दुख की भी है, इतने बड़े धांसु वैरागी को भी भगवान का दर्शन नहीं मिल पा रहा है। मैंने पहले कह दिया भगत के लिए मर्यादाएं हैं और ये सेवक बन के आए नहीं है। जैसे गोकुल में आए यमुना जी पे कुछ लोग मिले इनको, इन्होंने वहीं डंडोड़ा पेट दिया, मैं भगत जी हूं। कौन का भगत जी? तो कहा मैं नारायण का भगत हूं जो तुम्हारे नंद के घर में बालक बन के आया है। तो लोग हंस पड़े, लोगों को मजाक लगने लग गया है, बाबला बाबा आ गया, बाबला बाबा आ गया, भोला बाबा, भोला बाबा, भोला बाबा, सब चिल्लाने लग गए उसको। अरे भैया एक चार दिन के बालक को भगवान कह रहा है, ये तो बावला हो गया है, भोला है, दाढ़ी बड़ी है, पर इस रूप में भगवान दाढ़ी वाले बन के आए यहाँ पे, जटा जूट वाले बन के आए। ग्वाल वालों ने ठहरा लिया बाबा को यमुना पर, कहा बाबा दो दिन रुको, क्यों? यशोदा मैया ने घोषणा कर दी है कि छठवी का पूजन हो जाएगा तभी लाला को दर्शन दिया जाएगा। भैया छठी का पूजन क्या हो भाई दिल्ली वालों? छोरा की छठी का पूजन जब तक नहीं होगा तब तक बाहर के आदमी को दर्शन मिलवे वारो नहीं। सारी गोपियां छठी के पूजन के लिए मचल रही हैं, कब नजदीक से लाला को दर्शन मिलेगा भाई? छठी के पूजन में स्नान करवाया जाता, पहला स्नान बालक का। और भैया भागवत सुनकर के जो नियम पाल लेगा अपने बालक के साथ में, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ उसे अस्थमा की बीमारी कभी नहीं होगी और उसके शरीर में कभी सफेद दाग की बीमारी नहीं आएगी, उसे कुष्ठ रोग नहीं होगा और उसे कैंसर कभी नहीं आएगा जो छठी पूजन करवा लेते हैं अपना। छठी पूजन, ये छठी पूजन कोई पाखंड नहीं है, ये शुद्ध आयुर्वेद है भैया। वेद तो संस्कार संस्कार दे रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं विज्ञान डालता है, जान डालता है। क्या है छठी पूजन सुनते चलो जरा, दुनिया का कोई भी भागवत आचार्य नहीं बता सकता इसको है। भागवत आचार्यों को क्या पढ़िए छठी पूजन की। यजुर्वेद पूरा पढ़ना पड़ेगा और भैया समझना पड़ेगा पढ़ के भी क्या लिखा हुआ है उसमें, तब छठी पूजन समझ में आएगा। बच्चा जिस दिन जन्म लेता है उस दिन से लेकर 6 दिन तक माँ के अलावा उसे किसी को भी नहीं छूना चाहिए। और इसीलिए बच्चों को आजकल एलर्जी हो रही है, कांच की पेटी में रख दो, एलर्जी हो गई कांच की पेटी में रख दो, फलाना हो गया बॉक्स में बंद कर दो, ये हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि जैसे ही वो बाहर आता है उसे इन्फेक्शन घेर लेता है, एलर्जी घेर लेती है, केमिकल दवाइयां, बदबू, गंदगी। और 6 दिन तक कहां एलर्जी ना हो, इसलिए जो जननी है जिसने जन्म दिया है वो अंधेरे कोठरी में रहे, लाइट भी नहीं लगाते थे पहले उस घर में जहां बच्चे ने जन्म लिया है, बल्ब जला दिया तो बच्चा बीमार हो जाएगा, अंधेरे में रखते हैं उसको। और भैया अंधेरे में रख के नीम के पत्ते बांधते थे चौकट से, दरवाजे पे नीम बांध दिया लंबा, लटका दिया नीम, क्योंकि अब बीमारी नहीं घुसेगी घर में, क्योंकि महिला गंदगी से लथपथ है, सड़ी हुई है, बदबू आ रही है, मल बह रहा है, खून बह रहा है, वहां जाए कौन? ये चारों तरफ बीमारी घूम रही है बिस्तर पे। बच्चे को लपेट के सूखे कपड़े में रखे 6 दिन। और भैया पहला स्नान छठी के दिन कैसे होता जरा सुनो तो सही। छठी के दिन पहला स्नान करने के लिए सबसे पहले गौमूत्र की जरूरत पड़ती है। जिस बालक ने सबसे पहला स्नान गौ के मूत्र से कर लिया उसकी चमड़ी में 100 वर्षों तक भी रोग आने वाला नहीं है।
कई बालकों की आपने देखा होगा राक्षसों की तरह बाल रहते हैं पूरे शरीर पे, 6 महीने का पूरी बॉडी पे बाल। क्यों बाल है? क्योंकि बालों का कारण है जॉनसन से रगड़ रही है, वहां से तो बाल निकलेंगे। हाँ, आज मैं बिना सुनाए रह नहीं सकता, क्योंकि कथा लाला कन्हैया जी की है, गुड्डू की रहती तो नहीं सुनाता मर वाले, मुझे क्या लेना देना गुड्डू पप्पुओं से। पर भैया बात है यहाँ कन्हैया की, दुनिया मरने वाली है इस पे तो, और जिस पे दुनिया बलिहारी हो जाएगी उसे तो मैं सुंदर बनाए बगैर छोड़ नहीं सकता। आलिस मालिस मुझे भी कुछ कम करना नहीं आता है। मैंने कोई काम कच्चा नहीं किया है, मैं भगवान की कथा ऐसे कैसे सुना दूंगा। मैं हो गई चलो भैया, ना 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 ना, हर चीज जल्दी हो जाती है पर छोटा बच्चा जो है वो बड़ा जल्दी नहीं होता। तो भैया मैं बड़ा नहीं होने दूंगा ठाकुर जी को जल्दी से। बड़े हो गए भगवान तो फिर रुकेंगे नहीं, सीधे भागेंगे राधा की ओर। और भैया ये लुगाइयों की ओर भागने लग गए तो फिर हाथ में नहीं आता कोई, इसलिए मैं जब तक ही कथा सुना लूं जब तक लुगाइयों की तरफ भाव नहीं है नहीं आता। ये तो भैया मोहिनी है, जिसको भी आकर्षण दे दें फिर वो नहीं रुकता, किसी का नहीं होता फिर वो मम्मी का देखे ना, पापा का देखे ना, पढ़ाई का देखे ना, नौकरी का, गया। ढोल पिटवा दिया, ग्वाल वालों ने रोक दिया, बोले ना तो को भैया हमारे गांव का नियम ही कुछ ऐसा है, छठी के पूजन से पहले लाला आंगन में नहीं आएगा। नंद ने भी दर्शन नहीं किया, तुम होते कौन हो बाबा, बाप नहीं बिचारा देख पाया अभी तक, देवता देख के चले गए। क्यों काम वाले हैं? महतरानी को तो भैया पहले दिन ही जरूरत है, जच्चा बच्चा हुआ है धोएगी पहुंचेगी, फिर धोबिन आ गई कपड़े लेने के लिए, फिर नाई आ गई, बस दर्शन हो गए भगवान ने। देवता इंद्र भाई, इंद्र धोबी बन के आ गया, मैं धोऊंगा भैया ठाकुर जी की लीला, मुझे मौका दे दो भैया कपड़े धोने का सदगुरु के सद भगवान के। और भैया भगवान के कपड़े धोने का मौका मिल गया तो हमारा तो जीवन धुल जाएगा, मैल हमारा निकलेगा, कपड़ों का निकले मत निकले, मैल उनका निकलेगा, पाप हमारे निकल जाएंगे। इसलिए भैया दिल से धो भैया, साधु संतों के वस्त्र पैर जो मौका मिल जाए वो धो लो। शिव जी ने बड़ा प्रयत्न किया पर बड़े हट्टी हैं, गार्ड हट नहीं रही यमुना से। रुको जी महात्मा साधु, अगर तुम पक्के हो तो 2 दिन नदी के किनारे गुजारो, छठवी का पूजन हो जाएगा, आपको सम्मान के साथ आंगन में ले जाएंगे, दर्शन करवाएंगे, कंबल देंगे और भोजन भी देंगे और दक्षिणा भी देंगे। क्यों? क्योंकि जब से लाला भय हो तब से दक्षिणा दोनों हाथों से लुटाई जा रही है। पर बाबा 2 दिन का ब्रेक लग गया है, छठी के पूजन के लिए लाला अंदर चले गए अंगन, अब माँ के साथ है, अब बाबा को भी नहीं मिल रहे, तो तुम बाबा कहां से आए, कौन से बाबा, कहां के बाबा। भोले शंकर ने यूज कर लिया कलयुग की बुद्धि को, शंकर भगवान कहने लगे सुनो मैं कोई दर्शन बर्शन करने नहीं आया, मुझे सब देवताओं ने मिलके भेजा है। और सच कह दिया, देवताओं ने मुझे भेजा है किस लिए बाबा, कहा मैं तुम्हारे लाला की माथे की रेखाएं पढ़ूंगा, तुम्हारे लाला की पैर की रेखा पढ़ूंगा, तुम्हारे लाला की हाथ की रेखा पढ़ूंगा, और मैं रेखा पढ़कर ये बताऊंगा कि आगे चल के तुम्हारे लंद के लाला क्या बनने वाले हैं, और तुम्हारा मुंह फोड़ेंगे कि प्यार करेंगे, तुमसे दोस्ती करेंगे कि दुश्मनी। और ग्वाल वालों को तो भैया बड़े घर का छोरा है, उनको लग रही कि भैया दोस्ती हो जाए तो फिर हमारी भी जय जयकार हो जाएगी साथ में, है आप जानते ही होंगे मंत्री के साथ में तो आंडू पांडू भी ऐठ के चलते हैं। तो ग्वाल वालों को भी वही था कि भैया गांव का राजा है और राजा के साथ में अपने किधर भी जुगाड़ बैठ गई तो अपना काम हो जाएगा। बाबा के मन की बात सुन के सभी ग्वालों को लालच आ गया, बाबा सच तुम भविष्य बताते हो? हाँ बताता हूँ। इसलिए भैया मैं भविष्य वक्ताओं को जरा समझाना चाह रहा हूँ, भविष्य बताने के लिए पहले आप त्रिनेत्रिय हो जाओ,
भविष्य बताओ, फिर सबके हाथ देखो, रेखा देखो, सबका बुरा बताओ, भला बताओ, पर पहले त्रिनेत्री हो जाओ, पहले आप त्रिपुंड हो जाओ, थोड़ा वीर्य को रोक लो शरीर में, पहले आंख तो जला लो तुम्हारी, किताब पढ़ने के लिए तो चश्मा लगाना पड़ता है, भविष्य कैसे देखेंगे किसी का तुम बाबा, तुम्हारी ये तो पुतलियां भी काम नहीं कर रही, तीसरा नेत्र किधर है फिर, जो दो थे वो भी अंधे हो रहे हैं, और तीसरा है कहाँ। तो भैया शिवजी की भागवत कहती है कि त्रिनेत्रम त्रंभम भूतम न भविष्य गम्यम, भैया जिसका तीसरा नेत्र भी खुला हुआ है दो के साथ में, वो किसी का भविष्य भी बता सकता है। भविष्य गम्यम तदन मूल भावे च, तप करो भैया, कैलाश में जाओ तो सही, ज्यादा मत जाओ, 11 महीने के लिए चले जाओ, मत जाओ 11 महीने, अधिक मास में 1 महीना ही चला जाओ, कैलाश में जाके तप करके आ जाओ। मैं विश्वास कर रहा हूं पंडित जी, आपका वो जो तप है, वहां जाके कुछ भी मत कहना, ओम नमः शिवाय कहते रहना, तुम्हारे पास में भविष्य बताने वाली बुद्धि शिव जी दे देगा तुमको। पर भैया वहां जाओ तो सही, कैसे भविष्यगामी भैया तुम, मूल ग्रेतान तद मूल वेदम, मुझे ज्योतिष से प्यार है, भविष्य बताने वाले से प्यार है, पर सिद्धांत अगर बिगड़ गया तो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं है। नो 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 नो, फिर तो वो दुकान है भैया, अपनी अपनी खाओ और कमाओ, मैं किसी की आलोचना करता नहीं, मैं खाली चाहता हूँ कि भैया जो जिस काम को कर रहा है उसमें पूरा पारंगत हो जाए, आगे चल के बड़ा भविष्य अच्छा होता है, थोड़े दिन दुकान नहीं चली तो क्या फर्क पड़ता, सीख क्या, और बाद में जब दुकान परफेक्ट पे आ जाएगी फिर देखो कमाल तुम क्या चलती है। वो जिस लालसा में तुम अज्ञान हो, उस लालसा से कई गुना ज्यादा अर्थ आपको प्राप्त हो जाएगा। आप जितने बड़े विद्वान हैं उतना धन आपके पीछे घूमता है, ये मैं अपने जीवन से आपको दर्शन करवा रहा हूं। आता जाता कुछ नहीं है, झूठ कब तक चलेगा, आज इसका सही हो गया कल उसका गलत हो गया, वो आके गर्दन पकड़ता है, पंडित जी इतने पैसे ले लिए, ये सब तो कुछ हुआ ही नहीं, ले अब पंडित जी क्या करें, मुंह लेके बैठे हैं। इसीलिए जो मुख से निकल गया वो कभी झूठ नहीं पड़ना चाहिए, उसके लिए क्या करें, उसके लिए भैया थोड़ा तप कर लो, जप कर लो, थोड़ा सा संभाल लो खुद को, कभी कभी अकेले भी तो रहो, हाँ कभी कभी अकेले रहो तो सब काम सकासक चलेंगे आपके, अकेले रहने की आदत नहीं है जी, घुमा फिरा के वहीं मैं चक्कर काट काट के पैर घिस गए, चप्पल घिस गए, काय की पंडिताई भी तेरी। पंडित जी अनुष्ठान के समय तो भैया यजमान को भी तप करने का वायदा है, यजमान जी आप निर्लेप हो जाइए, पर पक्षम नियोग मूलम च, मैं आपको सिद्धांत बता रहा हूं, ज्यादा पढ़ने, ये ज्यादा पढ़ाई की वजह से प्रॉब्लम आ गया, ज्यादा बोलना पड़ता है, ऐसे कम रहता तो कब की हो जाती कथा, पर सुनिए, बार बार अच्छा समय नहीं आता है, अच्छा समय है आपका जो आपको सुनने को मिल रहा है, नहीं तो ये काय को खोलेगा कोई, जरूरत क्या पड़ रही है, अंदर जाके मुसीबत में पड़ो, वेद सुनाओ, शास्त्र सुनाओ, भैया दक्षिणा तो भागवत की मिलेगी, वेद तो फ्री में ही सुना रहा, रामायण फ्री में ही सुना रहा, भजन फ्री में सुना रहा, बोर्ड पे देख लो भागवत लिखी हुई है, पर मैं पहले कह चुका हूँ, चार चांद नहीं लगे तो कथा सुनाने का अर्थ ही क्या है, रोज हो रही कथा, प्रस्तुति दो वेदामृतम तद मूल भागवत, बड़ा आनंद आता है भागवत में, जब बीच बीच में वेद आ जाता है तो भागवत को सुंदर बना के रागणी बना देता है, उसको मलाहार बना देता है, देखो तो सही, भोलेनाथ ने जैसे ही भक्तों को लालच दिया कि मैं तुम्हारे बारे में बता दूंगा भैया, मैं तुम्हारे लंद के लाला की रेखा देखकर ये बता सकता हूँ कि वो तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करेगा, तो सारे ग्वाल वालों ने कहा भाई बाबा को ले चलो, अपने को क्या लेने देना, अपने साथ में दुश्मनी करें, अपने को ना पूछे तो अपन काय को आज से गुलामी करेंगे, अपन दूर हो जाएंगे आज से। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये बड़ा याद हो गया, हर जगह लिखा हुआ इसलिए। शिव जी को लेकर के सारे ग्वालवाल यशोदा मैया के महल के निकट पहुंच गए, ग्वाल वालों ने कहा बाबा देखो अब घर तक हम ले आए, पर घर के अंदर अब आप अपने आप घुसो, क्यों,
अब लाला आंगन में दिखाई देता नहीं, मैया लेके अंदर चली गई। अब भैया एक बार अंदर चले जाएं ठाकुर जी, मंदिर बंद हो जाए, पट बंद हो जाए और कोई आ गया दर्शन करना है तो अब होएगा कैसे दर्शन? अब तो भैया महल के दरवाजे बंद हैं, अब वहाँ दर्शन वर्शन बंद हो गया है। अब भगवान शिव जी खड़े हैं, भैया दर्शन करवा दो। तो ग्वाल वालों ने थोड़ा संकेत कर दिया। संकेत क्या किया कि देखो महल के अंदर जाना है तो आप भी रूप बदल लो, और अंदर 5-6 महिला काम कर रही है, उनके साथ में आप अंदर जा सकते हैं। यहाँ पुरुषों की एंट्री बंद है। और जननी, जिसने बच्चे को जन्म दिया वहां 11 दिन तक पापा भी ना जाए, ऐसा नियम है शास्त्र का। ननद जाए, सास जाए, बुआ जाए, सब जाए, लेडीज जाओ, पुरुष ना जाए कोई। और ये तो भैया चौथे दिन आ गए पुरुष भी, और पुरुष भी ऐसे खतरनाक है कि देख देख के पागल हुआ जा रहा गांव। ऐसे पुरुष गोपियों को संदेश दिया, अरे गोपी मुझे आज अपने नंद के लाला के दर्शन करवाओ। गोपियों ने जाके यशोदा मैया को संदेश दे दिया, हे मैया तुम्हारे दरवाजे पे कोई बहुत बड़े ज्योति बाबा आए हैं, जिनकी जटाएं बड़ी बड़ी हैं और अद्भुत रूप है उनका। अद्भुत कैसा रूप है? जब से हमने देखा है 104 से ऊपर ही डिग्री बुखार चढ़ा हुआ है। गोपियों ने ऐसा कहा, मैया इतना अद्भुत है रूप। यशोदा मैया ने कहा तो ऐसा करो, जब से महात्मा साधु यहाँ से दान दक्षिणा लेके जा रहे हैं तो वो बता रहे होंगे, तो सुन सुन के और भी बाबा लोग आ रहे हैं, तो ऐसा करो सोने की थाली ले लो और सोने के सिक्के भर के बाबा को भेंट चढ़ा दो और आशीर्वाद मांग लो। और जिनके घर में दान की परंपरा है वो ज्यादा नहीं देखते, ऑर्डर कर देते भैया दे दो वहां रखा है, दे दो भैया वहां रखा है। मैं ये देख रहा हूँ 4 दिन से हमारी राधा रानी जी भी वही कर रही है, दे दो वहां रखा है, दे दो वहां रखा है, दे दो वहां रखा है। भैया जिनकी रीत अच्छी है, उनकी प्रीत अच्छी है और फिर व्यवस्था अच्छी है, करना है तो भैया फिर खोल के कर दो, मिच्चू मिच्चू क्यों करना है? जिसको ले जाओ भैया करके लाओ, ले जाओ भैया करके लाओ, ले जाओ भैया करके लाओ। अब वो करके ला रहा है कि नहीं ला रहा है वो तो भगवान ही मालिक है, पर ले जाओ और करके लाओ। शम्य भूतम शम्य गम्यम तत्पुरुषम च मेधितां। भगवान शिव जी को दरवाजे पे खड़ा किया, गोपियों ने जाके बताया, यशोदा ने कहा दक्षिणा दे दो, बधाई दे दो, आशीर्वाद ले लो। वो भर के लाई थाल, सोने का थाल सिक्कों से भर के लाई और लाके भगवान शिव जी को परोस दिया, बाबा जी लाला को आशीर्वाद दीजिए और दक्षिणा लीजिए। भगवान शिव जी ने कहा देखो देवी तुम गलत समझ रही हैं, तुमने हरिद्वार वाला बाबा समझ लिया है, पर ना 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 ना, ये कैलाश से आया, कैलाश से तुम्हारे सोने चांदी, तुम्हारे हीरे मोती, तुम्हारे अनाज दाने, तुम्हारे रुपया पैसे, इन सब की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास में ना झोली है न वस्त्र है, मैं तो भैया मृग छाला से ओढ़कर जगीर को ढक आया हूं, इंद्री को, मेरा शरीर तो पूरा विश्व से भरा हुआ है, मुझे सोना चांदी हीरे मोती नहीं चाहिए। ये सोने चांदी का लालच तो भैया दिल्ली वालों को दिखाओ, हमें नहीं चाहिए। भगवान शिव जी ने कहा देखो गोपी अगर सोने की बात करें ना तो ये बहुत छोटे सिक्के हैं, मैंने बड़ी बड़ी ईंटों से अपनी पत्नी के लिए महल बनवाया, वो भी मैंने पंडित जी को दान कर दिया रावण को, मुझे सोने वोने का लालच नहीं है, इसलिए सोना वोना नहीं चाहिए मुझे। लौटा दिया भैया, सोना लौटा दिया, दान लौटा दिया, नहीं लेंगे जी, हम तो दर्शन करने आए, दर्शन चाहिए। और मैं सभी बहनों से और भाइयों से करवृद्ध प्रार्थना कर लूं, एक बार हाथ जोड़ लेता हूं, मान जाए तो मान जाए, मैं आपके हाथ जोड़ के ऐसी प्रार्थना करना चाह रहा हूं आपसे कि कैसे भी करके भगवान के मंदिर जाते समय कुछ लालसा मत रखो, खाली दर्शन का भाव रखो। दर्शन हो गए तो मैं गारंटी लेता कामना बिना पूरी हुई नहीं रह सकती। समहृदयम् तत्त्वमूर्धितानां मेघदूतम् यथाकृतम् शंभावम् प्रियात्मनेः शुभलक्षणम् प्रियागम्यः। शुभदेव जी ने राजा परीक्षित को ये दर्शन करवाया। गोपियां यशोदा के पास जाके कहने लगी, मैया तुम्हारा सभी दिया हुआ वापिस कर दिया, बाबा बड़ा पक्का लग रहा है, त्यागी लग रहा है, तपस्वी लग रहा है, लगता है वो पक्का भगत है।
यशोदा मैया ने जरा प्रयत्न किया बाबा को देखने का। यशोदा ने कहा ऐसा करो, वो अंदर वाला जो कमरा है उसमें हीरे और मोती रखे हुए हैं, सोने के थाल के ऊपर कुछ हीरे मोती चढ़ा दो, बाबा हो सकता है बड़े खानदान का होगा, बड़ा बाबा होगा, ज्यादा लेगा। हीरे मोती लेकर मैया सोने के सिक्कों के ऊपर सजा के लाई और बाबा को फिर भेंट करवा रही है। बाबा ने कहा कुछ भी ले आ, दर्शन के सिवाय हमें कुछ भी चाहिए नहीं। यशोदा मैया ने कहा जरा मैं ट्रायल मार लूं। मैया यशोदा भी आ गए भैया लाइन में, खिड़की खोल के बाबा को देखने लगी, जरा देखू तो सही कलयुग में ऐसा त्यागी कहां से आ गया। मैया ने जैसे ही बाबा को देखा, बाबा का मतलब शिव जी को, यशोदा मैया ने खिड़की खोल के जैसे ही शिवजी को दरवाजे पे देखा तो जैसे ही शिवजी पे नजर पड़ी मैया यशोदा की, मैया की आंखें बंद हो गई महाराज, मैया की आंखें बंद हो गई। इतना खतरनाक तेज, इतना तेजस्वी महात्मा शिवजी, और मैया ने जैसे देखा मैया की आंखें बंद, अंधेरा हो गया, डर गई, घबरा गई और गिर पड़ी। क्यों? अद्भुत निराला रूप है शिवजी का। अभी हम एक शब्द यूज करना चाहता हूं, भयंकर रूप था शिव जी का, भयंकर, भयं, द्वंद से भरा हुआ, विष से भरा हुआ रूप है। तो भैया यहां किसी ने ऐसा कहा, ज्ञानी ने, कि भैया साधु को चाहे जितना भी मुलायम रहना पर साधु को थोड़ा ऊपर से थोड़ा सा दिखाना चाहिए कि बड़ा क्रोधी है, बड़ा गुस्से वाला है, विषयर, भाई उनके निकट मत जाओ, गुस्सा आ जाता उनको, उनसे डरो डरो। साधु से जिनको जितना ज्यादा डर लगता है उतना ज्यादा फायदा ले सकते हैं, ये मेरे कहने का मतलब है। और भैया साधु से जो निडर हो जाते हैं वो फायदा के लायक नहीं बचते। भय चाहिए भगवान का, साधु का, ट्रक का, रेल का। रेल से जो जितना डरेगा उतनी जल्दी नहीं मरेगा वो रेल से। भैया जो निडर हो जाएंगे रेल से वो जल्दी से हाथ में आ जाते हैं, रेल के पिच जाते हैं। भैंस गाड़ी चलाओ भैया ट्रक के सामने रोड पर, रोड पर डर डर के जो चलाएगा वो बराबर जिएगा, और जो निडर होकर रोड पर दौड़ते भैया उनकी मौत आगे पीछे घूमती है। इसीलिए कहीं डरो मत, डरो कोई बात नहीं है, पर अपने माता पिता गुरुजनों से और भगवान से हमेशा डरते रहना चाहिए हमारा। आज मैया यशोदा डर गई, भोलेनाथ से डर के अंदर चली गई और गोपियों से कहा दरवाजे सब बंद कर दो, और विश्वास दिला दिया गोपियों को, कहा चाहे मैं मर जाऊंगी पर मैं अपने लाला के दर्शन या बाबा को कबू ना करवाऊंगी। क्यों? इतनी सयानी औरत घबरा गई है रूप देख के, तो छोटो सो छोरा को रूप हाल का होएगा। यशोदा मैया ने कहा माने तो माने, नहीं तो नीचे उतार दो धक्का मार के। सब गोपियां आ गई, सेठानी का ऑर्डर हो गया, तो भैया सेवा करने वालों को क्या लगता है, धड़ 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 आई और बाबा बाबा निकलो 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 यहां से, चलो 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 बाबा चलो चलो चलो। शंकर भगवान कहने लगे ये तो भैया अपमान हो रहा है, चलो, पर हम अब पार्वती को क्या मुंह दिखाएंगे, हम तो पार्वती से कह के आए कि हम अपने भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं और यहां तो भैया दुद 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 हो रही, दर्शन तो हुआ ही नहीं। और पार्वती पूछेगी कैसे थे तो मैं कैसे बताऊंगा, मैं कैसे मुंह लेके जाऊं। तो भगवान शिव जी तो भैया थोड़े से हठ धर्मी थे, जिद्दी थे, और वो लौट तो आए, किसी के महल से नीचे आ गए, और नीचे आने के बाद में जो आम रास्ता उसमें भगवान शिव जी ने अपना अखाड़ा जमा दिया। अखाड़ा का मतलब है त्रिशूल गाड़ दिया अपना, और त्रिशूल गाड़ के डमरू हाथ में ले लिया और शंख भी हाथ में ले लिया और एक पैर पे खड़े हो गए। एक पैर पर खड़े होकर शिव जी ने डमरू बजाया और शंख में फूंक मार दी, और जैसे ही शंख में फूंक मारी चार दिन के लाला एक चूहू तक नहीं किया। अभी चार दिन में शंख की ध्वनि सुनी, डमरू की आवाज सुनी, और भगवान नारायण को लगा पालने में पड़े पड़े कि मेरा परम भक्त शिव जी परेशान व्याकुल है, भूखा है, प्यासा है। एक पैर पर खड़ा कर दिया किसने? माया ने, माया मतलब यशोदा ने।
ये बीच में आ गई है ममता माया, इसने बिगाड़ दिया काम। अगर मेरी माँ माया लेके नहीं आती तो आज मेरे भगत शिव जी को मेरा दर्शन हो जाता और मैं भी धन्य हो जाता ना, मेरा भगत भी धन्य हो जाता। नारायण भैया, चार दिन के भगवान शंख की आवाज सुनकर रोने लगे, जोर से रो रहे। अब मैया फड़फड़ा के भाग रही है पालने के पास में, उठा लिया लाला को, मत रो मत रो मत रो, अचानक क्या हो गया, क्यों रो रहा है क्यों रो रहा है। अब गांव का लाडला बेटा जो कलावती लीलावती सावित्री गुड्डी पप्पी सब जमा हो गई, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अब सब गोपियों ने अपने अपने टोटके करना चालू कर दिया। एक औरत नजर उतारे वहां तक ठीक है, पर एक साथ में 20-25 हजार नजर उतारने के लिए तो उतरती कम है और चढ़ती ज्यादा है। अब तो भगवान नारायण का हाल भी वही है, चार दिन के कन्हैया जी को भैया ये औरत आ रही है, वो नमक मिर्ची मार रही है, कोई आ रही है वो राई नमक मार रही है, और चौथी आ गई उसने नींबू निचोड़ दिया माथे पे। भैया दूसरी औरत का क्या जा रहा है, आंख में जाए तो जाए, नहीं वो उसका लाला थोड़ी है। बस मेरे कहने का मतलब यह है कि ठाकुर जी रोए जा रहे हैं, वहां पे एक बड़ी पुरानी औरत है जिसका नाम है पूर्णमासी। भागवत में उस अम्मा का नाम क्या है, पूर्णमासी अमौसी आ गई, गांव में सबसे बड़ी उम्र वाली। और भैया हकीम और डॉक्टर तो पहले थे ही नहीं, पहले तो गांव की बूढ़ी अम्मा ही सब डॉक्टरी कर लेती थी। पुरानी संस्कृति में इंजेक्शन नहीं था, गोलियां तो नहीं थी भैया, चूरन चटनी था पहले तो, और वो चूरन चटनी ही इस कलयुग में सबसे आगे आ गया आयुर्वेद। अब इस समय पर अब एलोपैथी नहीं कर रही काम, मार रही है लोगों को, दर्द की एक महीने खा लो किडनी दोनों बाहर आ जा रही है दर्द की दवा खा के, इसीलिए सब लोग चूरन चटनी पे घुसे हैं अब आजकल। पूर्णमासी बूढ़ी अम्मा ने कहा, ऐसा करो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ, ये दरवाजे पे जो डमरू वाला है वो मंत्र मार रहा फेंक फेंक के तेरे छोरा, और इतनी देर में लता आ गई। लता 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 ने कहा, मैंने भी देखा मेरे सामने बड़बड़ कर रहा है, और भैया वो मंत्र तो भगवान के दर्शन के लिए जप रहे थे शिव जी, पर भैया जो जैसा देख रहा है वैसा ही सोच रहा है, वो बिना बिना भगवान का नाम लिए भगवान कैसे मिलेंगे, वो नाम जप रहे शिव जी और ये औरतों ने चुगली मार दी। अरे कौन सी ने मार दी औरी, तो ना मेरो मचलो है शाम सलोना, तो मचलो है श्याम सलोना सखीरी, मचलो है श्याम सलोना, मचलो श्याम सलोना सखीरी, मचलो श्याम सलोना, कौन सी ने मार दियो लाल के माथे बीच टिटोना, भूल गई मैं नहीं लगायो माथे बीच टिटोना, रोई रोई रुदन करे मेरो बारो, रोई रोई रुदन करे मेरो बारो, हाथ तोड़ दिए है खिलौना, कौन सी मार दियो मेरो मचलो है श्याम सलोना, कौन सी ने मार दियो टोना, मचलो है श्याम सलोना।
पीवे लाला दही न खावे नाइले माखन लोना दूध न पीवे लाला दही न खावे नाइले माखन लोना दूध न पीवे लाला दही न खावे नाइले माखन लोना दूध न पीवे लाला दही न खावे खोले मेरो छोना कौन सी मार दियो टोना मेरो मत जो है श्याम चलोना कौन सी मार दियो जय हो टोना मेरो मत जो है श्याम चलोना कौन सी मार दियो टोना मेरो मत जो है श्याम चलोना गाओ सी मार दियो गोपियन संग खेलो ना पहले ही मैंने कही श्याम को गोपियन संग खेलो ना पहले ही मैंने कही श्याम सो गोपियन संग खेलो ना अरे पहले ही मैंने कही श्याम सो गोपियन संग खेलो ना है बुरी नजर है इन गोपिन की बुरी नजर है इन गोपिन हाँ पर जेते मानो ना कौन सिर मार दियो तो ना मेरो मत जो है श्याम सलोना कौन सिर मार दियो तो ना मेरो मत जो है श्याम सलोना मत जो है श्याम सलोना सखीरी मछलियो श्याम सलोना मछलियो श्याम सलोना सखीरी मछलियो श्याम सलोना गाओ दिन मार दियो तो ना मेरो मछलियो श्याम सलोना कौन दिन मार दियो तो ना मेरो मछलियो श्याम सलोना सलोना।
येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिग्रहीतम् अमृतेन सर्वं। आज परमपिता परमात्मा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को दर्शन कराते हुए भागवत का कथन कह दिया और भगवान शिव जी के बारे में सभी सखी और सभी गोपियों ने यह साधु यशोदा को जाके समझाया। हे देवी, बालक की हारी बीमारी दुख दर्द सभी संत साधुओं के चरणों में जाके ठीक हो जाते हैं, इसीलिए हमें ऐसा विश्वास है कि दरवाजे पे स्वयं चल के कोई महात्मा आए हैं, क्यों न जाके तू उनको दंडवत करवा दे जिससे तेरे लाला का रोना खत्म हो जाए। आज बूढ़ी बूढ़ी गोपियों ने यशोदा को सही सलाह दी, क्योंकि यहाँ आप देख लें कथा में आज पांचवा दिन है। सम्राट चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित हस्तिनापुर के इकलौते राजा हैं, पर जब आतंक दुख ने घेरा, विपत्तियों ने जब सम्राट को घेरा, तो सिवाय साधु के किसी ने भी उनके ऊपर उपकार नहीं किया। सभी मतलब की दुनिया भैया, इस हाथ दो साथ लो, ये संसार है, पर संत मूलम चरणागतम व्यापकम यस्य ब्रह्मः, परमात्मा कण कण में व्यापक है, पर भैया संतों के चरणों में सारी गंगा यमुना निवास करती है महाराज, वहां सब तर जाते हैं। सदगुरु भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को अनुमंद करवा के कहा, राजन आज मैया यशोदा गोपियों के कहने से लाला को पल्लू में छुपा कर लाई और शिव जी के सामने प्रस्तुत किया, हे बाबा हमारे लाला का रोना रोक दीजिए। सारी गोपियों का कहना है कि लाला को किसी की नजर लगी है। भगवान शिव जी को मालूम था कि किसी की नजर भगवान को कैसे लगेगी। नजर हमेशा उनको लगती है जो बहुत सामान्य है, जिनके पास में दुनिया भर का तप है जप है, उनको कहां से नजर खावे। आज भगवान के शिव जी के मन की भावना पूरी हो रही है, जिनको दर्शन करने के लिए दुनिया भर का दुख दरवाजे पे भोगना पड़ा, अपमान भी, आज जरूरत पड़ी यशोदा को तो स्वयं भगवान को लेके शिव जी के पास पहुंच गई। बाबा लाला को अच्छा करें, लाला को अच्छा करें और हमें माफ करें, हमने आपका अपमान किया है, हमने बड़ी गलती की जो आपको धक्का देके नीचे उतार दिया। और हमारे गांव की बूढ़ी गोपियां कह रही हैं कि आप ही दुख हरताएं, आप ही क्लेश हरताएं। तो भैया भगवान शिव जी कौन है दिल्ली वाले जरा बताओ, दुख हरता कौन है। भस्मांतम शरीरम कृतो स्मर किलवे स्मर कृतगुम स्मर, कैंसर का शरीर जब मर जाता है तो घर में दो घंटे भी घर वाले नहीं रखते उसे, कहां ले जाते हैं फिर उसे, भैया जल्दी जलाओ भैया वायरस हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, उठाओ जल्दी जलाओ, फिर कहां ले जा रहे हैं। तो कहा भस्मांत मूलम चिताभूमि में ले गए, वहां कौन रहता, तो कहा वैद्यनाथ महादेव, वहां शिवजी निवास करते हैं। अंत में किसने शरण दी उस दुष्ट को, कंस को, किसने, बोलो शिव ने। घर वाले धन संपत्ति मकान सब अपना कर लिया और बेचारे को निकाल के चिताभूमि में डाल दिया और जला के आ गए, और भैया पीछे शिव जी ने समेट लिया सब। कृतो स्मर किलवे स्मर कृतगुम स्मर, यजुर्वेद 36वां अध्याय है ये, इस मंत्र के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भैया भगवान शिव जी कितना भी बीमार आदमी उनके चिता भूमि में चले जावे, फिर उसे ऐसा वो दवा दे देते हैं अग्नि के द्वारा कि उसकी राख में फिर कोई भी बैक्टीरिया प्राप्त नहीं होता बीमारी का, ऐसा शुद्ध कर देते हैं, क्योंकि उस राख को शिव जी अपने माथे का तिलक बनाते, इसलिए शुद्ध। और आप लोग तो भैया माथे के तिलक की बात छोड़ो, आप लोग तो इतने नादान है, इतने अज्ञान है, माथे के तिलक लगाने के लिए शिव जी राख को शुद्ध कर रहे हैं, और आप तो भैया खाने को भी शुद्ध नहीं रख पा रहे, अंडा खा लेते, मांस खा लेते, तंबाकू खा लेते, शराब पी लेते, और तुम तो खाने में भी शुद्धि नहीं कर पा रहे, शिव जी ने तो तिलक में भी शुद्धि रखी है, जला के भस्म कर दिया पहले। कितना फर्क है भगवान में और भगत में। हाजी भैया शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाने वालों, जो रोज दूध चढ़ाते हैं, चढ़ाते ही दूध और पीते ही शराब, तो भैया जमेगा कैसे। बम बम भोलो, हैं
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। भगवान कहते बेईमान 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 बेईमान, अब बिना पानी का दूध बच्चों के लिए रख के आ गया और शिवजी पे पानी भर के कमंडल लाया है, आधा गिलास दूध और कमंडल भरा पानी, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, पानी से घुस कर रहा है भैया शिव जी को, गरम सफेद करके ले आया पानी को, सफेद करके चम्मच भर डाल, अरे 3 लीटर पानी में चम्मच भर शक्कर से कैसे मीठा हो जाएगा, ईमानदारी से बताओ 3 लीटर पानी में कितना शक्कर कम से कम होना, 300 ग्राम, कितना 300 ग्राम, यहाँ तो भैया चम्मच भर। भगवान शिव जी कह रहे मुझे दूर दूर तक शुगर नहीं है, पेट भर के शक्कर खिला। ये कार्यक्रम उनके साथ में करो जो मरे जा रहे हैं गोली खा खा के, उनको कम खिलाओ शक्कर। भैया चौड़े मैदान में नंगा उगाड़ा बैठा कैलाश की चोटी पे बर्फ में, सफेद से प्यार है, सफेद से शक्कर कितना भी लाओ, दूध कितना भी लाओ, भैया जो सफेद बर्फ से नहीं घबरा रहा वो दूध से काहे को घबराएगा, पर चतुर है ये, होशियार है दिल्ली वाले, पानी मिला के वो अच्छा ये कौन सी भक्ति है जी, ये है अंधविश्वास की भक्ति है। भगवान के ऊपर कितना भी दूध चढ़ा दे वो कभी खुश होने वाला नहीं है। भगवान शिव जी ने कहा कि जो दूध तूने मेरे ऊपर डाला है और जो सीधा नाली में जा रहा है वो झोपड़पट्टी में बांट के आ जा, जिसके घर में चाय पत्ती नहीं वहाँ चाय दे दे, जहाँ दूध नहीं वहाँ दूध दे दे, मैं खुश हो जाऊंगा। हाँ नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा, शिवजी नाराज हो जाएंगे। अबे शिवजी नाराज नहीं होंगे, क्यों बिन पग चले सुने बिन काना कर विध कर्म करे बेदिना। भैया उसके मुंह नहीं है तो खाएगा कैसे, वो तो निर्बंध है भैया, वो खाता पीता नहीं है, और भैया वो खाता तो मौसमी सेव संतरे तुम्हें क्यों देता बगीचे में पेड़ों पे लगा लगा के। भगवान शिव जी ने आज मेरे मनोहर श्याम सुंदर को दर्शन ले लिया, पक्षम नेत्र मूलम च चरणारविंदो च दर्शना। यशोदा मैया बड़ी छत्री है, बड़ी होशियार है, लाला आंखों से ना देख ले बाबा को, बाबा के गले में सांप पड़ा हुआ है, और भी ये 4 दिन का बालक है, सांप को देखेगा तो डर जाएगा, इसलिए मैया ने अपना पल्लू लाला की आंखों पर डाल दिया और पैर वाड़ के शिवजी की तरफ कर दिए, बाबा लो देखो बीमारी नजर बजर जो भी लगी उतारो। भगवान शिवजी का तो मन प्रसन्न हो गया, उन्हें भगवान नारायण के मुख से कुछ लेना देना था ही नहीं, क्योंकि वो तो परम भक्त है भगवान शिवजी नारायण के, इसलिए उनको अनायास ही चरणों का दर्शन यशोदा ने करवा दिया। भगवान शिवजी ने दोनों चरणों के अंगूठे पकड़ लिए और चूम लिया, पैरों को चूम लिया भैया शिवजी ने, और जैसे ही पैर चूमे और पैर चूमते से लाला का रोना हो गया बंद। अब तो भैया तालियां बज गई, सारी गोपियां लीलावती कलावती सावित्री खड़ी, और क्या बाबा क्या बाबा क्या बाबा क्या बाबा चमत्कारी बाबा चमत्कार, एक ही पप्पी में खेल खत्म। महापुरुषों की पप्पी नहीं रहती, महापुरुषों का स्पर्श ही दुखों का विनाश कर देता है, माना लेस मात्र भी छाया पड़ जाए तुम्हारे ऊपर तुम्हारे दुख गए। अच्छा एक बात बताएंगे आप सब लोग, आपको हंसी आई ना पप्पी का नाम सुन के, मैं आपको पूछना चाहता हूँ ये जो बिजली का तार रहता नंगा तार आपको झटका मारने के लिए कितना टच करना चाहिए, बहुत नहीं बस बस बस, ये है भैया बिजली के तार का प्रभाव है, जितना ज्यादा आप में करंट है उतना स्पर्श छोटा चाहिए। भगवान शिव जी पूरी दुनिया की एनर्जी समेट के बैठे भैया अपने शरीर में, पूरी दुनिया का ब्रह्मांड की पावर उनके पास है, इसीलिए इतना पावर वाला इतना भी टच कर दे कहां झिलेगा अपने से। भगवान श्याम सुंदर शांत हो गए, यशोदा मैया को लालच पैदा हो गया, जी बाबा का जादू मंत्र बहुत जोरदार है जी, एक ही पप्पी में खेल खत्म हो गया, रोना धोना सब दुख चले गए, अब बाबा ऐसा कर दो अब तुम कल चले जाओगे तो मैं बावड़ी कहाँ ढूंढूंगी तुमको, मेरो लाला जिंदगी भर कभी दुखी ना हो ऐसा कोई गंडा ताबीज बना के चले जाओ। भगवान शिव जी कहने लगे ताबीज गंडे का काम हमारा नहीं है, हाँ हम तो तुम्हारे लाला को जीवन भर के लिए प्रसन्न कर देंगे, पर तुम नहीं होने दे रहे, बीच में आ खड़ी हो तुम। बाबा ने कहा सुनो
अभी कमर तक का बुखार उतर गया है, अभी माइंड फीवर बाकी है, पल्लू हटा दे। जब तक आंखों में आंखें डाल के मैं और वो देख नहीं लेंगे तब तक ये हंसने वाले नहीं। हाँ भैया हंस गया सो फंस गया। यशोदा मैया लालच में आ गई, अपने लाला को जीवन पर्यंत हजारों जन्मों तक खुश करने के लिए साधु का आशीर्वाद दिलवाया और अपना पल्लू खींच लिया, ममता का पल्लू, लालच का पल्लू, पदरा हटाया और भगवान ने जैसे ही नेत्र से भगवान शिव जी को देखा, नेत्रों में नेत्र डालकर भगवान प्रसन्न हो गए महाराज। शिव जी की आंखों में नारायण दिख रहे और नारायण की आंखों में शिव जी दिख रहे, एक दूसरे के नेत्रों में समा गए दोनों देवता और भगवान खिलखिला के हंसने लगे। चार दिन के भगवान हंसे तो मैया को विश्वास हो गया कि बाबा की पूजा पूरी सिद्ध हो गई महाराज। अब बाबा से और लालच बढ़ गया मैया सुधा का, बाबा बाबा रुको बाबा रुको बाबा बोलिए। अरे बाबा आप तो इतने ज्ञानी हो, जरा ये भी बता के जाओ कि आप चले जाओगे तो हमारो लाला 100 साल में कौन सी लीलाएं करेगा, धनवान बनेगो कि ना बनेगो। भगवान शिव जी ने देखना क्या था, नारायण के बारे में पहले से जानते थे, कह दिया त्रिपुंजम लोक विभितान मूल भवतन्न योगो सब प्रकृति च भाव। ते देवी तुम्हारे जो लाला हैं ये साक्षात तीनों लोकों के मालिक हैं, पति हैं, लोकपति, अधिपति, द्रव्यपति, प्रकृतिपति। ये तुम्हारे जो बालक है ये ब्रह्मपति है, तीनों लोकों का राजा बनेगा ये, और ये राजा है, ये ब्रह्म अवतार है, परमात्मा है ये। यशोदा मैया कहने लगी परमात्मा हो जाएगा, तीनों लोकों का राजा बन जाएगा, तो फिर मेरा बेटा कैसे रहेगा? ये आदमी कलेक्टर सा हो जाए, थोड़ा जिले का भी मालिक सा हो जाए तो भी वो माँ बाप को कहाँ ढूंढता, वो कहाँ थोड़ा बड़ा, और ये तो तीनों लोगों का राजा हो जाए। है जी प्रधानमंत्री बन के भी सब दूर हो गए, मम्मी पापा चाचा सब कहाँ वो कहाँ, और ये तीनों लोगों का राजा। और फिर मैया ने कहा तुत्ती तेरी भविष्यवाणी झूठी हो जाए, तो मेरे तो पैसे जैसे तो बुढ़ापे में लाला भयो है, और वो भी राजा महाराजा बन जाए, फिर मेरी गोद में कौन खेले। इसीलिए सारी माताओं की कथा है ये, राजा हो जा, महाराजा हो जा, कलेक्टर हो जा, जो भी हो जा, पर मेरे लिए तू मेरा बेटा ही बना रहे तो ही माँ का हृदय खुश रहता है, ऐसा यशोदा मैया कथा में कहना चाहती है। भैया माँ की ममता तो कभी कम नहीं होती, चाहे बच्चा कितना भी नालायक हो वो उसके लिए मरती रहती है। अब तो यशोदा मैया के बाद में 5वां दिन आनंद का गुजरा। अब आप सबके लिए कथा है ये, भगवान के साथ क्या क्या हो रहा है जरा सुनते चलो। आज आनंद का दिन गया, एक दिन आनंद का गया, 6वां दिन जैसे ही आया यशोदा मैया के लाला की नहाने धोने की पूजा पाठ की।